इस वीडियो में बताने वाला हूँ फोन पे वॉलेट ऑटो टॉपअप के बारे में। अगर आपका फोन पे का जो वॉलेट ऑटो टॉपअप है आपने एक्टिवेट किया था, या फिर अगर आपका एक्टिवेट है, आपका जो कि बैलेंस है यानी कि पैसा जो है कि आपका अकाउंट से कट के आपका वॉलेट में ऐड हो जाता है, अगर आप बंद करना चाहें तो कैसे जो है कि इंस्टेंट जो है कि आप फोन पे और जो कि वॉलेट ऑटो टॉपअप को आप बंद कर सकते हैं। इंस्टेंट मैं आपको इस वीडियो में लाइव जो कि बंद करके बताने वाला हूँ कि कैसे आप जो कि फोन पे का जो ऑटो टॉपअप है आप उसको जो कि कैसे आप क्लोज कर सकते हैं। तो जैसे मान के मैंने यहाँ से फोन पे ओपन किया और फोन पे ओपन करने के जैसे आप यहां पे ओपन करेंगे और यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा ऑटो टॉपअप का कई बार आपको देखने को मिलेगा। नहीं तो आपको सिंपली क्या करना है, यहां पे प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहां पे जो भी आपका वॉलेट में बैलेंस होगा वो यहां पे शो होगा और उसके बाद आपको यहां पे आइकन देखने मिलेगा टॉपअप का। तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहां पे टॉपअप के ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद फिर से जहां पे जो आपका बैलेंस होगा वो शो करेगा और उसके बाद आप देख सकते हैं यहां पे मैनेज वॉलेट ऑटो टॉपअप, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप देखेंगे नीचे कि ये जो मेरा 500 का जो ऑटो टॉपअप यहाँ पे जो कि वॉलेट का एक्टिवेट मैंने किया था। उसके बाद नीचे स्लाइड करेंगे, देखेंगे यहाँ पे रिमूव ऑटो पे, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, आपको फिर से बार आपको यहाँ से कन्फर्म करना है और यहाँ पर कन्फर्म जैसे ही आप करेंगे तो आपका जो भी UPI पिन है आपका यहाँ पे UPI पिन एंटर करना है आपको। और पिन एंटर करने के बाद आप यहाँ से टिक करेंगे तो आपका जो फोन पे में जो वॉलेट में ऑटो यहाँ पे कि ऑटो पेमेंट का जो ऑप्शन जो कि इनेबल हो गया है आपने किया था वो जो है कि आपका यहाँ पे डीएक्टिवेटेड हो जाएगा यानी कि क्लोज हो जाएगा और उसके बाद आपका पैसा जो है कि वॉलेट में ऑटोमेटिकली ऐड नहीं होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे आप जो है कि इंस्टेंट इसको जो है बंद कर सकते हैं और यहाँ से सक्सेसफुली मेरा जो है कि यहाँ पे जो फोन पे का जो ऑटो टॉपअप है वो यहाँ से मेरा जो कि क्लोज हो चुका है। और उसके बाद जैसे आप पिन एंटर करेंगे तो पिन एंटर करने आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटो पे हैज़ बीन रेवोकेड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आप बैक आएंगे और उसके बाद आप यहाँ पे जो कि मैनुअली आप वॉलेट में जा करके पैसा ऐड कर सकते हैं और आपका जो यानी कि ऑटो जो पेमेंट है वो आपका बंद हो जाएगा, आपका अपने आप पैसा आपके वॉलेट में नहीं आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।